सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये वही तस्वीर है जिसने हर किसी की आंखों में आंसू ला दिया। लेकिन एक ऐसा सच सामने आया है जिसने इस तस्वीर की सच्चाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि अपने बच्चे की मौत पर रोते शख्स के बेटे की मौत 3 महीने पहले ही हो चुकी है, यानी कि लॉकडाउन लगने से काफी पहले। इस तस्वीर में जो शख्स रोता हुआ नजर आ रहा है उसका नाम राम पुकार पंडित है। बिहार के बेगूसराय का एक प्रवासी मजदूर जो लॉकडाउन के कारण दिल्ली में फंस गया। इस तस्वीर के साथ इस शख्स की कहानी भी वायरल हुई कि वो अपने नवजात बच्चे की मौत की खबर सुनने के बाद पैदल ही बिहार की तरफ चल पड़ा। लेकिन 3 दिनों तक वो दिल्ली यूपी सीमा के पास गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे ही फंसा रह गया क्योंकि पुलिस ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। आखिरकार पूर्वी दिल्ली के डीएम ने जैसे ही राम पुकार के बच्चे की मौत की खबर सुनी वैसे ही उन्होंने राम पुकार की टिकट स्पेशल ट्रेन में बुक कराई। पुलिस की मदद से राम पुकार को नई दिल्ली से बेगूसराय के लिए रवाना किया गया। राम पुकार पंडित के वायरल तस्वीर की कहानी पूरी करने जब हम उनके गांव पहुंचे तो वहां कुछ और तस्वीर सामने निकल कर आ गई। जब बिहार तक उसके पैतृक गांव बरियारपुर पूर्वी पहुंचा तो वहां उसके परिजनों ने कहा कि उसके बच्चे की मौत तो 3-4 महीने पहले ही हो गई थी। बच्चे की मौत के बाद ही राम पुकार पंडित दिल्ली काम के लिए गया था। हालांकि राम पुकार पंडित की पत्नी विमल देवी अभी भी अपने बच्चे की मौत 15 दिन पहले होने की बात कह रही है। राम पुकार पंडित सपरिवार अपने ससुराल चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के बसही गांव में रहता है। उसकी पत्नी ने कहा है कि उसके बेटे की मौत 15 दिन पहले ही हुई है और पड़ोसियों की मदद से दाह संस्कार किया गया। साल भर का बच्चा रहे, ओकरा पिलाक सुतलिए, दिनम देखे छिए त बच्चा नहीं रहे। 15 दिन पहले बच्चा डेट कए गेले हन मंगल। हुनका जे छिके फोन कलिए, सब लोग कलकिन फोन नहीं करल, हम फोन कए देलिए। बच्चा चलती हुआ आबे रहथिन, हुनका जे छिके मैडम आर सर रोक लेलखिन, पैसा कुछ रहे हुनका जे मछीन छोड़ लेलखिन, तब मैडम जी सहायता कलखिन, तब अयलखिन बिहार। वहीं राम पुकार पंडित के पैतृक गांव के सरपंच ने कहा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि उसके बच्चे की मौत पहले ही हो गई थी। उसने घर आने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर झूठ का सहारा लिया। देखिए, अक्सर इनका घर तो प्रॉपर यही हुआ, लेकिन वो ससुराल में ज्यादा कर रहते हैं। बसी गांव उनका ससुराल है, तो मिली जानकारी के अनुसार हम लोग भी पता किए तो इसका बच्चा का डेथ लगभग 2-3 महीना पहले हुआ। उसके पिता कब आए, क्या जानकारी मिला, कैसे पहुंचे? वो तो हम लोग तो देखे, मान लीजिए चैनल पर देखे, न्यूज में देखे, पेपर में पढ़े, तो ऐसी ऐसी बात है। वो तो बहाना किया, लेकिन उसका जो है ना कुछ दिमागी संतुलन भी खराब है, कभी कभी उसका दिमाग भी गड़बड़ हो जाता है। इस वजह से भी मान लीजिए वो कहा होगा कि मेरा बेटा डेथ कर गया है, घर आने के प्रयास में पैसा नहीं होगा, खाने की मान लीजिए कोई जरूरत सामान नहीं उपलब्ध होता होगा, इसलिए अपना बहाना किया हो। बहरहाल राम पुकार पंडित ने किन परिस्थितियों में अपने बेटे की मौत की झूठी बात वहां के अधिकारियों को बताई ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन उसके गांव वालों के मुताबिक उसके बेटे की मौत 3 महीने पहले ही हो गई थी। इस दावे ने अब इस तस्वीर के पीछे की कहानी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बेगूसराय से सौरभ, बिहार तक।